अभी ऑन नमस्कार। आरिप्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम एनहांसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग स्किल्स में आप समस्त उपस्थित गण का स्वागत है। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय बूंदी और आयोजन सचिव शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी का स्वागत करती हूं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा तथा राजकीय महाविद्यालय बूंदी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस इतिहास विषय के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 11 से 16 जनवरी का आज पहला दिन और उद्घाटन सत्र है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग तथा समन्वयक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टर उषा व्यास का कि वो हमारे समस्त जुड़े हुए प्रतिभागियों तथा अतिथियों का स्वागत करें और कार्यक्रम का परिचय प्रदान करें। माननीय डॉक्टर उषा व्यास। सभी को नमस्कार। आदरणीय श्री आयुक्त महोदय श्री संदेश नायक जी, अतिरिक्त आयुक्त महोदय श्री बी एल गोचर जी, प्राचार्य महोदय श्री पी के सालोदिया जी, कोटा के सहायक निदेशक श्री संजय भार्गव जी, आईएसडीसी के नोडल अधिकारी श्री विनोद भारद्वाज जी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी के आईएसडीसी के सेल के नोडल अधिकारी श्री बी के शर्मा जी, आईएसडीसी के सह समन्वयक श्री दिलीप राठौर जी एवं आईएसडीसी के सभी सदस्यों को
तथा इतिहास विभाग की आयोजन सचिव सविता चौधरी एवं सह सचिव श्री धर्मवीर मीणा जी एवं श्रीमती सुनीता राठौर एवं सभी प्रतिभागियों एवं उपस्थित प्रबुद्ध संकाय सदस्यों का सादर अभिवादन एवं स्वागत। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा प्रारंभ किया गया ज्ञान गंगा नाम का यह शॉर्ट टर्म प्रोग्राम अपने अंदर वृहत उद्देश्य लिए हुए है। यह कार्यक्रम राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रतिभागी संकाय सदस्यों में संबंधित विषय में अद्यतन ज्ञान संवर्धन लेटेस्ट नॉलेज अपडेशन शोध अभिवृत्ति प्रोत्साहन एनहांसमेंट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड कक्षा अध्यापन कौशल विकास एवं नवाचार परक शिक्षण इनकुलकेशन ऑफ इनोवेटिव टीचिंग स्किल्स इन द पार्टिसिपेंट्स जैसे महती उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लिए हुए है। इससे पूर्व यह कार्यक्रम राजस्थान के तीन महाविद्यालयों में तीन विषयों में केमिस्ट्री ज्योग्राफी और होम साइंस में आयोजित किया जा चुका है। पूर्व में आयोजित इन कार्यक्रमों की सार्थकता के कारण अब आयुक्तालय द्वारा इसे वृहद स्तर पर अनेक विषयों में 11 जनवरी से 20 फरवरी तक राजस्थान के अनेक महाविद्यालयों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालय बूंदी में इतिहास विषय में संकाय सदस्यों के लाभार्थ यह राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयुक्तालय जयपुर एवं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में 11 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। अब मैं आपको प्रस्तुत कार्यशाला की जो थीम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। प्रस्तुत कार्यशाला की थीम हमने ली है ऐतिहासिक उपागम संदर्भ एवं संभावनाएं अप्रोचेस इन हिस्टोरिकल राइटिंग्स पर्सपेक्टिव एंड पॉसिबिलिटीज। हमारे विषय में यूं तो नवीन अनुसंधान लगभग हर पहलू पर हो रहे हैं पर पुरातत्व जो कि इतिहास निर्माण का सर्वाधिक प्रामाणिक एवं पुख्ता स्रोत है के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधानों से नए पुष्ट तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। उदाहरण के लिए सिंधु सरस्वती नदी पर हो रहे अनुसंधान, इसीलिए पुरातत्व एवं अभिलेखागारीय स्रोतों को थीम में हमने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इतिहास में जब हम शोध के लिए विषय और उससे जुड़े तथ्यों को चुनते हैं तो उसमें हमारे उपागम अप्रोचेस की निर्णायक भूमिका होती है। इन्हीं अप्रोचेस के कारण इतिहास की एक घटना किसी इतिहासकार की दृष्टि में युग निर्णायक हो जाती है तो दूसरे इतिहासकार की दृष्टि में वह शून्य महत्व की होती है। उपागमों के इसी महत्व को देखते हुए इस थीम में इतिहास लेखन के विभिन्न अप्रोचेस को हमने दूसरे खंड में विस्तार दिया है। क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं अतः हमारे लिए क्षेत्रीय परिवेश के इतिहास की पुनर्व्याख्या एवं विश्लेषण एक अनिवार्यता है। अतः राजस्थान के इतिहास के समग्र पहलुओं पर चर्चा को भी थीम की आयोजना में सम्मिलित करना अपरिहार्य था। किसी स्थान विशेष के इतिहास निर्माण एवं संस्कृति रचना पर वहां की टोपोग्राफी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की महती भूमिका होती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वे उत्तर पश्चिम में स्थित हिमालय के दर्रों से हुए। अतः प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक निरंतर उत्तर पश्चिमी भारत का इतिहास युद्धों और आक्रांताओं का इतिहास रहा है। थीम में इसके अतिरिक्त पर्यटन के ऐतिहासिक आयामों को भी हमने सम्मिलित किया है। जो चीज इतिहास को गल्प और कहानी से अलग करती है वह है स्रोत एविडेंस। ऐसा हुआ था ऐसा निश्चित रूप से कहने के लिए हमें प्रामाणिक एवं अकाट्य स्रोत जुटाने पड़ते हैं। इन्हीं स्रोतों की अवधारणा अब नवीन विस्तार एवं आयाम पाती जा रही है। परंपरागत स्रोत जिसमें पुरातत्व
आर्कियोलॉजिकल आर्काइवल सोर्सेज हैं, उनके साथ साथ अब नवीन स्रोत जिनमें वंशावलियां, डायरियां, मौखिक परंपराएं, वैकल्पिक इतिहास लेखन, लोक साहित्य आदि हैं, इनके प्रयोग के आधार पर हम नवीन एवं वैकल्पिक इतिहास लेखन की एक परिकल्पना साकार हो रही है। इस परिकल्पना को परिपूर्णता प्रदान करने में ऐतिहासिक प्रविधियों की हिस्टोरिकल टूल्स की पुनर्व्याख्या की जा रही है और इसके आधार पर ही हम इतिहास के भविष्य फ्यूचर ऑफ द पास्ट पर आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। आप सभी प्रतिभागियों से मुझे उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम से न केवल लाभान्वित होंगे वरन इस विषय में अध्ययन अध्यापन एवं शोध के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम हो पाएंगे। उन्हें आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने कार्यक्रम का परिचय दिया, थीम से अवगत करवाया, इतिहास के अर्थ, उसकी फिलॉसफी के बारे में संक्षिप्त में जानकारियां दी। हम उम्मीद करते हैं कि 6 दिन के इस कार्यक्रम के पश्चात हम अपने इस थीम को, जिसको लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा, समन्वयक नवाचार और कौशल विकास प्रकोष्ठ राजकीय महाविद्यालय बूंदी, कि वो अपना आज के कार्यक्रम का उद्बोधन दें। डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा। सभी प्रतिभागियों, श्रीमान प्राचार्य जी, विभागाध्यक्ष मैडम, हमारे वरिष्ठ संकाय सदस्य जेठवाल जी, कोटा रीजन के सहायक निदेशक श्रीमान संजय जी भार्गव साहब, आयुक्तालय से, नवाचार प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई शिवांगना मैडम, आज के इस कार्यक्रम को पूरा करने का दायित्व, कार्यक्रम का नाम है ज्ञान गंगा। गंगा एक नदी है, नदी का पानी मीठा होता है, मीठा इसलिए होता है कि वो देती रहती है। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि समुद्र लेता रहता है। नाले का पानी बदबू मारता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। तो इसे शायद इस नवाचार के पीछे यही थीम होगी कि लेते रहो, हमें रुकना नहीं है, ज्ञान का अर्जन करते रहना है, ज्ञान लेते रहो और उसी ज्ञान को बांटते रहो। मैं इस कार्यक्रम को संपन्न करने का दायित्व आयुक्तालय के द्वारा नवाचार कौशल विकास प्रकोष्ठ को सौंपा गया। मुझे गर्व है इस बात का कि राजकीय महाविद्यालय बूंदी की नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ की टीम इतनी सक्रिय है कि ये इस सत्र में ये तीसरा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसे प्रोग्राम इन प्रोग्राम्स को रन करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जुड़े हुए हैं, मैं प्रभारी होने के नाते उन सभी का सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं और आगे का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम अपनी सफलता को प्राप्त करे ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय बूंदी, महाविद्यालय के नवाचार और कौशल विकास प्रकोष्ठ के तादात्म्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक करे ऐसा हम शुभकामना करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संजय भार्गव, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल ऑफिस, डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन कोटा, की वो अपना आतिथ्य उद्बोधन देंगे। डॉक्टर संजय भार्गव। हेलो दिलीप जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही सर। राइट।
ओ सॉरी सर, वीडियो ऑन कीजिए जी. हाँ यस सर. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी डॉक्टर पीके सालोदिया साहब, आयुक्तालय से इस कार्यक्रम में जुड़ी मैडम शिवांगना, कीनोट स्पीकर्स डॉक्टर महेंद्र खडगावत जी और डॉक्टर जगत नारायण जी, डॉक्टर उषा व्यास हेड एंड कन्वीनर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर बीके शर्मा नोडल ऑफिसर आईएसडीसी सेल बूंदी, डॉक्टर सविता चौधरी कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड फेलो फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर पार्टिसिपेंट्स. ज्ञान गंगा इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन जयपुर इन द करंट सेशन फॉर द वर्किंग फैकल्टी मेंबर्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस इन राजस्थान. दिस प्रोग्राम एम्स एट अपडेटिंग द सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ innovative methods in teaching and cultivating research interest, which should work as a promotion incentive in the career of the faculty members. In earlier times also, UGC has been making proactive efforts to upgrade knowledge and skills of faculty members in the institutions of higher education. Now, the first question that I feel for the day is, as a teacher, why should I update myself? As growing teachers, we need to update ourselves, our skills, concept, content in the subject, confidence, and to have a threshold to the innovations in the field of education. To provide a higher quality of education, and handle questions posed by the students with confidence. Upgrade the teaching ideas by introducing innovation in teaching and learning. These changes and updation brings in more efficient skills and self-development ideas. Help in using time and resources effectively, and hence help us to understand better ways to teach. It supports and advances the sharing of information among the different levels of brains. Ultimately, it helps to raise the well-being of teachers as well as the student. Using innovative methods of teaching is a crucial skill for teachers. Scientific research has shown that innovative teaching methods and approaches can significantly enhance the student learning process. By innovating our teaching strategies, places us out of the comfort zone. However, by experimenting new methods and strategies, we can improve student engagement, motivational attainment, and it proves to be a win-win situation for both students and teachers. Sometimes in the college education, as a teacher, we resist the process of upgradation. The resistance may be due to our personal problems, our state of mind, the aging factors, the lack of time and resources, lack of interest, and the fear of change. Dear fellow teachers, we have to step out of our comfort zone. For this, teachers have to motivate themselves and others. A change has to start with a teacher, and only then will the skills spread to the students and society as a whole in the fastest possible manner. As individuals, we should bring our attitudes and attributes to develop their skills. To support our career development
and raise our academic standards. We need to embrace the change in our skills that lead to innovations and creativity. Faculty development programs like Gyan Ganga will prove to be successful for the teachers in higher education in Rajasthan to update their teaching and pedagogical skills, to upgrade themselves as well as their students. I hope that this program in the Department of History, Government College, Bundi, will help in enhancing the academic knowledge, the innovation skills of the teachers who will be participating in this program. I wish the program a big success. I am thankful to the organizers for making me the part of this program. Thank you all. Wish you all the best. Thanks. Dhanyavad, sir. Education is a liberating force. और किसी भी ज्ञान का औचित्य तभी है जब वो कक्षा अध्यापन में आए, विद्यार्थियों को एनरिच करे और उन्हें ऐसे नागरिकों के रूप में तैयार करे जो ज्ञान और व्यवहार दोनों दृष्टियों से संपन्न हो और राष्ट्र और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करे। आपने कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की थीम को हम किस तरह से क्रियान्वित कर सकेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसे हम किस सीमा तक प्राप्त कर सकेंगे, आपने अपने उद्बोधन से हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ाया। हम आपके लिए आभारी हैं कि आप कार्यक्रम से जुड़कर कार्यक्रम को समृद्ध बनाने में सहायक बने। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और आपकी इजाजत से अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूं डॉक्टर शिवांगना शर्मा, सह आचार्य नवाचार और कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, की वो अपने उद्बोधन से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर शिवांगना शर्मा। शिवांगना मैडम, मैडम आवाज आ रही? हाँ मैडम। हेलो 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 मैडम, आवाज आ रही मैडम? मैडम आप को होस्ट हैं, आप माइक ऑन करें, आपका माइक बंद, वीडियो भी नहीं आ रहा। हेलो, हाँ जी मैडम, हाँ मैडम, नहीं आपका माइक बंद है, आप उसको ऑन कर लें, या मैं कर रहा हूँ ऑन, तो आपको रिक्वेस्ट आ रही होगी उसमें, उसको यस कर लें आप।
सेफ्टी होगी। आगे स्टार्ट करो, नेक्स्ट लो। एक मिनट का टाइम लग रहा है, मैडम पुनः जुड़ गई हैं। मैडम आप माइक ऑन करें। माइक शो नहीं कर रहा आपका। टेक्निकली आप सर को बुलाओ, सर को नोट करो, लो आप सर को बुलाओ, लेट मत करो। हाँ वो कोई बात नहीं, मैडम को बाद में मिलेगा। आप सर को कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज, कनेक्टिविटी के इश्यूज की वजह से डॉक्टर शिवांगना शर्मा हमसे नहीं जुड़ पाई है। संभव है कुछ देर बाद जब वो जुड़ पाए तो हम उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। इससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्राचार्य डॉक्टर पीयूष कुमार सलोदिया को कि वो हमें अपने आशीर्वचन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए चार शब्द कहें। डॉक्टर पीयूष कुमार सलोदिया। आज हम सब लोग यहां कॉलेज शिक्षा निदेशालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक ज्ञानगंगा के अंतर्गत आयोजित 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म कोर्स जो राजकीय महाविद्यालय बूंदी में आयोजित किया जा रहा है उसमें मैं आप सभी सहभागियों का सर्वप्रथम स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर संजय भार्गव असिस्टेंट डायरेक्टर कोटा, डॉक्टर शिवांगना जी जो आयुक्तालय से जुड़ी हुई है, हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर जेतवाल, हमारे नवाचार प्रकोष्ठ के डॉक्टर बीके शर्मा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हमारे सभी संकाय सदस्य साथियों, साथ ही हमारे जो कीनोट स्पीकर्स जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र खड़गावत जी और डॉक्टर जगत नारायण जी जो कि हमारे पूर्व परिचित हैं, हमारे यहाँ इस महाविद्यालय में वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी में प्राचार्य के रूप में भी आपने कार्य किया है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज इतिहास विभाग की तरफ से इनिशिएटिव फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एक्सीलेंस इन हिस्ट्री सब्जेक्ट पर 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म कोर्स का आगाज हम लोग कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जितने भी सहभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूर्ण समय तक हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे और इस कोर्स में जो विभिन्न कीनोट स्पीकर्स के अलावा भी जो स्पीकर्स रोजाना आपके समक्ष आएंगे उनसे आप जैसा अभी शर्मा जी ने कहा ज्ञान गंगा में से कुछ जल आप लेने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे स्पीकर्स को बुलाएं महाविद्यालय के इस मंच पर और आप सबको जो है वो पुनः हमारे साथी लोग हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस शॉर्ट टर्म कोर्स को बहुत ही कम समय में, क्योंकि आयुक्तालय के द्वारा इसकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय हमें नहीं दिया गया है और इस वजह से जो है हमारे सभी साथी इतिहास विभाग के और हमारे नवाचार प्रकोष्ठ के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने शॉर्ट समय में प्रिपरेशन करके और इस कोर्स को इस अंजाम तक पहुंचाया। साथ ही डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़ जो हमारे इस ई क्लास को देख रहे हैं उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके और इस अंजाम तक इस कोर्स को पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आयुक्तालय निदेशालय को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ कि उन्होंने राजकीय महाविद्यालय बूंदी को इस योग्य समझा और हमें ये कोर्स 6 दिवसीय कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स करवाने के लिए महाविद्यालय का चयन किया। इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया और आभार प्रदर्शित करता हूँ। डॉक्टर संजय भार्गव ने समय निकाला, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी से अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस कोर्स का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए सबके सब सहभागी और हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सब मिलकर के और इसको इस अंजाम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर शिवांगना शर्मा हमसे जुड़ी हुई है। डॉक्टर शिवांगना शर्मा सह आचार्य नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि कार्यक्रम के संबद्ध अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर शिवांगना शर्मा। हेलो, हाँ मैडम आवाज आ रही आ रही आ रही ठीक है। ज्ञानगंगा कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे आयुक्त महोदय श्रीमान संदेश नायक जी, अतिरिक्त आयुक्त महोदय श्री गोयल सर और इस कार्यक्रम के राज्य समन्वयक डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी के प्राचार्य श्रीमान सालोदिया जी, ज्ञानगंगा कार्यक्रम के आयोजन सचिव, आयोजन मंडल के अन्य समस्त सदस्यगण और महाविद्यालय के सभी साथी संकाय सदस्यगण, आप सभी का इस नव वर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत। सभी सहभागियों का आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि सरकार की शिक्षा में गुणवत्ता के प्रति निरंतर प्रयासों की श्रृंखला में किए जा रहे अनेक उपक्रमों तथा नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए निर्देशों की ओर उन्मुख होकर इस कार्यक्रम की सफलता को राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर द्वारा केमिस्ट्री विषय में और राजकीय कला महाविद्यालय सीकर द्वारा ज्योग्राफी में तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित करके आराम से आयोजित कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों की उपाध्यायता को साथ ही संकाय सदस्यों ने अनेकों बार हमसे ये बता के ये उद्धृत करके सिद्ध कर दिया है कि ये एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम है और इसकी एक श्रेष्ठ कार्यक्रम के रूप में रेटिंग भी की है। इसी आधार पर इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप देते हुए श्रीमान आयुक्त महोदय ने इसे राज्य स्तर पर एक योजनाबद्ध रूप में आयोजित करने की योजना बनाई और जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि आज हम 10 कॉलेजों में इस एक साथ 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स में इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं और कुल 26 राजकीय महाविद्यालयों द्वारा 46 ज्ञान गंगा ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम यह विभाग स्तर पर विद्यालयों के स्तर पर और गुणात्मक संप्रदाय सदस्यों में ज्ञान अभिवृद्धि, कक्षा अध्यापन पर कौशल विकास और शोध अभिवृद्धि प्रेरक वातावरण निर्मित होगा। इस कॉलेज अवश्य दृष्टिगत होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में अंत में मैं पुनः आप सभी को एक बार फिर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हम फिर इस कार्यक्रम के वैलिडिटी सेशन में आपसे पुनः जुड़ेंगे और आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा रखती हूँ। जय हिंद, नमस्कार।
धन्यवाद मैम। नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा प्रारंभ किए जा रहे नवाचारों से न केवल कक्षा अध्यापन वरन महाविद्यालयों के संपूर्ण वातावरण बेहतरी की तरफ अग्रसर हुए हैं, आपके प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्सलेंस पर आधारित है से हम इतिहास विषय में कुछ नवीन आयामों को प्राप्त करेंगे जिससे अंततः हमारा कक्षा अध्यापन प्रभावित होगा। आपने अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित किया, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर का मैं को आमंत्रित करती हूं और उनका स्वागत करती हूं कि आज के मुख्य वक्ता के रूप में अपना व्याख्यान देने के लिए आपने न केवल अपनी सहमति जारी की वरन आपकी माताजी, जैसा कि कल आपने बताया, आईसीयू में एडमिट हैं और उसके बावजूद आपने हमारा सहयोग किया। हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्दों की कमी महसूस करते हैं। सर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के नवाचार और कौशल विकास प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्सलेंस प्रोग्राम में मुख्य वक्ता के रूप में आप राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के इतिहास विभाग के सहायक आचार्यों को संबोधित करेंगे। इससे पहले कि आप प्रतिभागियों के साथ मुखातिब हों, मैं आपका परिचय कराने की इजाजत चाहूंगी। महोदय, आपका रेज्यूमे इतना विस्तृत है कि अगर मैं इसे थोरोली रीड करती हूं तो ये आपके व्याख्यान का काफी समय ले लेगा, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि मैं इसे संक्षिप्त करते हुए इसके मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट कर दूं। आप वर्तमान में पदेन और पदस्थापित निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार, प्रशासनिक अभिलेखागारीय और एकेडमिक प्रतिभा के धनी हैं। निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार होने के अतिरिक्त आप राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स न्यू दिल्ली के स्टेट कोऑर्डिनेटर, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के नोडल ऑफिसर रहे हैं। जिन प्रोफेशनल बॉडीज आप संबद्ध रहे हैं उनमें है जीनियोलॉजी कंजर्वेशन एंड प्रमोशन एकेडमी, पब्लिकेशन कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सिलेबस प्रिपेयरिंग कमेटी ऑफ क्यूरेटर एंड न्यूमिस्मेटिक्स, सिलेक्शन पैनल ऑफ रिक्रूटमेंट बाय आरपीएससी, नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्ट, एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस, एक्सटर्नल एग्जामिनर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी आदि। आपके द्वारा लिखित पुस्तकों, आपके द्वारा संपादित पुस्तकों में प्रमुख रूप से फारसी फरमानों के प्रकाश में मुगल कालीन भारत एवं राजपूत शासक वॉल्यूम 1-4, राजस्थान स्वाधीनता संग्राम के साक्षी कुछ संस्मरण, जयपुर जोधपुर हाड़ौती अंचल के वॉल्यूम रोल ऑफ राजस्थान इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, पुरंदर की संधि गंगा रिसाला, राजस्थान स्वाधीनता संग्राम आदि मुख्य हैं। आपकी आने वाली पुस्तकों में जुडिशियल सिस्टम ऑफ बीकानेर स्टेट, बीकानेर लेजिस्लेटिव असेंबली, रोल ऑफ विजय सिंह पथिक इन फ्रीडम मूवमेंट आदि हैं। जिन शोध पत्रिकाओं से आप संपादक की भूमिका में जुड़े रहे वे हैं ख्यात, जागती ज्योत, ग्लिम्सेस
ग्लिम्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन आपके विभाग की एक बाई एनुअल पत्रिका आप संपादित करते हैं जो अभिलेख के नाम से प्रकाशित होती है। आपने 16 प्रेजेंटेशंस और लेक्चर्स दिए हैं जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर के तो हैं ही। आपकी प्रमुख प्रेजेंटेशन में ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन यूके में आपके द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन और एक्सटर यूनिवर्सिटी यूके में आपके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशंस सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। आपके प्रेजेंटेशंस और लेक्चर्स की थीम डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्काइवल रिकॉर्ड्स इन रिसर्च, हेरिटेज कंजर्वेशन, ओरल हिस्ट्री, कार्टोग्राफी, मुगल हिस्ट्री, राजपूत हिस्ट्री, गांधीयन आइडियोलॉजी आदि हैं। आपके 19 रिसर्च पेपर और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिनमें उपरोक्त उल्लिखित थीम्स के अलावा मराठा हिस्ट्री, रिसर्च टूरिज्म, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्राइम एंड पनिशमेंट और बीकानेर हिस्ट्री आदि हैं। अपने बहुमुखी व्यक्तित्व और अथक कार्यों के कारण आप विभिन्न स्तरों पर सम्मानित किए गए हैं। आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख पुरस्कारों में महाराजा सवाई माधो सिंह अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एनहांसिंग द इमेज ऑफ राजस्थान इन इंडिया एंड अब्रोड, ये पुरस्कार महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड म्यूजियम ट्रस्ट सिटी पैलेस जयपुर के द्वारा आपको दिया गया है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री से 2 बार राजस्थान मेरिट अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। विरासत अवार्ड, राव बीकाजी अवार्ड, भी राजीव सद्भावना अवार्ड, प्रताप शोध संस्थान अवार्ड, हेरिटेज कंजर्वेशन स्वामी केशवानंद अवार्ड, सोशल सर्विस नारायण सेवा संस्थान अवार्ड के आप प्राप्त करता है। क्रिकेट आपकी हॉबी है, आपने अपने विद्यार्थी जीवन में क्रिकेट खेला है और क्रिकेट में आप रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और रणजी ट्रॉफी के मैनेजर भी रहे हैं। क्रिकेट के लिए आप KL सैनी स्टेट लेवल खेल रत्न अवार्ड, बेस्ट बैट्समैन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। आपने 10 कॉन्फ्रेंसेज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। इनकी थीम वेरी करती है, यह एकेडमिक, आर्काइवल, प्रशासनिक, सामाजिक संदर्भों को लिए हुए है। भारत और विश्व से विभिन्न डिग्निटरीज आपके बीकानेर स्थित कार्यालय का भ्रमण करते रहते हैं और आपके कार्यों की सराहना आपने मार्गरेट अलवा, राजस्थान की राज्यपाल, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स, C.K. मैथ्यू राजस्थान के मुख्य सचिव, ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया मुसीरुल हसन, महाराजा हिज हाइनेस महाराजा जोधपुर गज सिंह आदि ने आपके कार्यों की सराहना की है। सर, आज के इस मुख्य वक्ता के प्रस्तुतिकरण में आप ऐतिहासिक शोध में आर्काइवल सोर्सेज की भूमिका पर व्याख्यान दे रहे हैं। आपका मानना है कि रिसर्च खूब होते हुए नजर आती है लेकिन उसका स्तर वो नहीं है जो होना चाहिए। बतौर राजस्थान राज्य अभिलेखागार के संरक्षक आप असीमित अभिलेखागार्य स्रोतों के धनी हैं और अभिलेखागार्य स्रोतों के माध्यम से जो कि मूल स्रोत हैं, ऐतिहासिक लेखन में ऐसी नवीनताएं आ सकती हैं जो कि अब तक नहीं आई हैं, क्योंकि समस्त ऐतिहासिक मूल स्रोतों का दोहन अभी इतिहास के शोधार्थियों और प्रोफेशनल्स के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए आप हमें लाभान्वित करने जा रहे हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों, मूल स्रोतों के रूप में आर्काइवल सोर्सेज का क्या उपयोग हो सकता है और उसमें आपके डिपार्टमेंट का क्या योजनाएं तथा क्या योगदान हो सकता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत, निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ
कि आप अपने व्याख्यान को प्रारंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद सविता, आपने कुछ ज्यादा ही परिचय दे दिया, हालांकि कार्य करते करते कुछ चीजें जुड़ जाती है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कॉलेज एजुकेशन के आयुक्त संदेश नायक साहब को और जीसी कॉलेज के प्राचार्य पी के सलोदिया जी को, जिन्होंने इस 6 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया। पूरा विश्व जब कोरोना से भयभीत है, कोरोना की इस अवधि में, 1 साल की अवधि में कुछ अच्छी चीजें भी हुई है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, ये कोरोना की देन है, और इसके अच्छे जो प्रभाव हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें दिखाई देंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आईएएस ट्रेनिंग होते हैं, आपके आयुक्त महोदय संदेश नायक साहब ने अपनी आईएएस की ट्रेनिंग बीकानेर में की थी, और ट्रेनिंग के दौरान उनको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। उन्होंने वो प्रोजेक्ट आर्काइव्स में बनाया और उस प्रोजेक्ट की मसूरी के आईएएस ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सराहना भी हुई। आयुक्त महोदय अभिलेखागार में नियमित आते रहे हैं, आर्काइव्स के महत्व को बारे में उनको मालूम है, इसीलिए मुझे लगता है कि नवाचार के रूप में इस तरह का इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया। मैं आयुक्त महोदय और प्राचार्य महोदय को बधाई देता हूं इसके लिए। कॉलेज शिक्षा के अतिरिक्त आयुक्त बी एल गोयल साहब, नोडल ऑफिसर विनोद भारद्वाज जी, डॉक्टर संजय भार्गव जी सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कोटा, डॉक्टर उषा व्यास जी जो कि हेड हैं जीसी कॉलेज में और समन्वयक हैं इस प्रोग्राम की, डॉक्टर बी के शर्मा जी जो भी समन्वयक हैं, धर्मवीर मीना जी जो सह संयोजक को हैं, श्रीमती सुनीता राठौड़ जी और डॉक्टर सविता चौधरी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। जब सविता ने कहा कि सविता आर्काइव में कार्य कर चुकी है और आर्काइव से ही बूंदी कॉलेज ज्वाइन किया है, सबसे बड़ी चीज यह है कि रिसर्च चाहे इतिहास के क्षेत्र में हो या सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट पे हो या साइंस में हो, रिसर्च का एक बहुत जबरदस्त महत्व होता है, क्योंकि कुछ नई जानकारियां, कुछ नए तथ्य उस रिसर्च में के माध्यम से सामने आते हैं, उससे हमारी सोसाइटी, हमारी देश, हमारे समाज लाभान्वित होता है। उस रिसर्च का ही परिणाम है कि जिसको आपको मालूम है टीका बनने में 15-15, 20-20 साल लगते हैं, लेकिन इस रिसर्च ने ही 1 साल के अंदर कोरोना के टीके को तैयार कर लिया। ये निरंतर रिसर्च का परिणाम है, निरंतर शोध का परिणाम है। इसी तरह की शोध इतिहास विभाग भी चाहता है। इतिहास विभाग में हमारे देश में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती है, बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, दुनिया भर के विश्वविद्यालय करवाते हैं। मुझे अमेरिका और इंग्लैंड दोनों जगह जाने का मौका मिला व्याख्यान देने के लिए। एक बेसिक फर्क यह है, मैं आपको बताता हूं, एक अमेरिकन लेडी जो अभिलेखागार में आई थी उसको हिंदी भी नहीं बोलने आती, और इस जो लोकल लैंग्वेज है जो अपनी आर्काइव्स के अंदर मारवाड़ी, ढूंढानी, हाड़ोती, मेवाती, इन लोकल भाषाओं के दस्तावेज हैं, उसने 4 साल तक मुख्यालय बीकानेर, जोधपुर और हिंदुस्तान की दूसरी जगहों पर घूम घूम के अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया। वो हिंदी नहीं बोल सकती थी, लेकिन बहुत अच्छे से उसने इन लोकल लैंग्वेज को पढ़ना सीख लिया। उसके बाद उसने पर्शियन सीखा, 1 साल तक यूपी के अंदर अमेरिकन रिसर्च सेंटर है वहां पर रहकर।
लखनऊ में। अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जिटर यूके के अंदर वो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में कार्य कर रही है, और जब लास्ट ईयर जब वो बीकानेर आई तो मैंने कहा आपने अभी तक कोई नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूं, अब अपने आप को मैं तैयार हूं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकूं। आप सोचिए हम कहां हैं और वो कहां हैं। इतना दक्षता हासिल करने के बाद उस वो कह रही है कि अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं अग्रिम हूं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर या हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है वो दक्ष नहीं है, वो मेहनत नहीं कर रही है, वो कर रही है, लेकिन जरूरत है समर्पण की, डेडिकेशन, डिवोशन। अभी कोई भी छोटा नहीं है। इतिहास के अंदर आज ये जितना भी आज मुगल हिस्ट्री पर ज्यादा बात क्यों हो रही है, क्योंकि मुगल इतिहास के दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए उस पर रिसर्च हो रही है। प्राचीन काल में हमारा बहुत गौरवमय इतिहास रहा, लेकिन उस समय के दस्तावेज हमारे पास नहीं। कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिनके ऊपर बहुत सारा वर्क हुआ है, लेकिन मुगल हिस्ट्री ने हमें एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमें सिखाया है, और इसीलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च होता है, और रिसर्च होता है तो उसकी बहुत सारी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों सामने भी आती है। राजस्थान अभिलेखागार ने इसी रिसर्च के फील्ड में, जब मैंने 2005-06 में डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किया था, तो मैंने देखा था कि रिसर्च करने के लिए इस सीमांत प्रदेश में, इस सीमांत जिले के अंदर जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक हैं, एक साल के अंदर 100 या 125 लोग हिंदुस्तान की विभिन्न विश्वविद्यालयों से और विदेशी विश्वविद्यालयों से आ पाते हैं बमुश्किल, और आने के बाद में जरूरी नहीं है कि उनको वो सारी सुविधाएं एक साथ मुहैया हो जाए। तो हमने एक डिजिटल आर्काइव्स का कॉन्सेप्ट तैयार किया, आर्काइव्स एट योर होम। आप आर्काइव्स नहीं आ सकते, आर्काइव्स आपके घर जाएगा, आपके आप तक पहुंचेगा। और हमने 2005-06 में इस प्रोजेक्ट को शुरू करके 1,25,00,000 दस्तावेज जो कि राजपूताना की विभिन्न रियासतों के थे उनको डिजिटल किया और अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिया। तो जिस अभिलेखागार में एक साल में 100 या 125 लोग रिसर्च करने आते थे, ऑनलाइन प्रतिदिन 200 से 250 स्कॉलर देश और दुनिया में रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी कल्चर को, हमें अपने इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है, तो हमारे दस्तावेजों पर, हमारी कल्चर पर रिसर्च होनी आवश्यक है। मैं हमारा ऑफिस कोटा में भी है, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा में भी है, और मैं इसी मंच से सारे महोदय से निवेदन भी करना चाहूंगा, यदि जीसी कॉलेज और क्षेत्रीय कार्यालय कोटा में किसी भी प्रकार का समन्वय हो सके तो हमारा विभाग तैयार रहेगा। डिजिटल आर्काइव के अच्छे परिणाम आए, लोगों को वो सब दस्तावेज जिनके बारे में किंवदंतियां थी इतिहास के अंदर, छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल दरबार में औरंगजेब के सामने गए, फिर वहां से वो पलायन कर गए, और कैसे कर गए, ये हो गया वो हो गया, इन तमाम तरह की ऐतिहासिक किंवदंतियों को अभिलेखागार के दस्तावेज शांत करते हैं। मैं कुछ दस्तावेजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये वो दस्तावेज हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनके बारे में किंवदंतियां सुनी होगी इनके बारे में, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वो सारे दस्तावेज मूल रूप में राजस्थान अभिलेखागार में रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में 1665 में हुई पुरंदर की संधि का जिक्र करना चाहता हूं। इतिहास में सबसे चर्चित संधि थी, 22 फीट लंबी और 99 पंक्तियों से युक्त पर्शियन में लिखी गई इस पुरंदर की संधि को मिर्जा राजा जय सिंह ने जब पुरंदर के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर लिया और उसको इस चीज के लिए तैयार कर लिया कि आप औरंगजेब के साथ संधि कर लीजिए, और उनको एक ड्राफ्ट तैयार किया जो 22 फीट लंबा है,
ड्राफ्ट जब अप्रूवल के लिए औरंगजेब के पास गया और वापस आया तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल गए और वो ओरिजिनल ड्राफ्ट आर्काइव में आ गया। इस ड्राफ्ट में आप देखिए इतिहास कैसे करवट लेता है। इस ड्राफ्ट में ये लिखा हुआ था कि आपको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जाती है मुगल दरबार में, लेकिन 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए और आगरा में जब उनको मुगल दरबार में स्टेटस के हिसाब से खड़ा नहीं किया गया, उनसे वादा किया गया था कि आपको सर्वोच्च मनसब की लाइन में खड़ा किया जाएगा, आपको वही मान और सम्मान मिलेगा जो एक राजा को मिलता है, लेकिन उनको 5,000 मनसब में खड़ा कर दिया गया। जसवंत सिंह जिसको वो युद्ध में हरा चुके थे उसके पीछे खड़ा कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज आग बबूला हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वो सब ये मेरे एक एक वर्ष वो हैं जो उस समय के वकील जयपुर के वकील प्रकाल दास ने अपनी वकील रिपोर्ट के अंदर लिखी और वो आर्काइव्स के अंदर उपलब्ध है। जयपुर के राजा राम सिंह को औरंगजेब ने कहा कि देखिए शिवा कुछ कहना चाहता है या कुछ समस्या है उनके साथ। राजा राम सिंह ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल दरबार से खड़े होकर और मुगल औरंगजेब को पीठ दिखाकर रवाना हो रहे थे तो उनका हाथ पकड़ा, तो उन्होंने उसके हाथ को झटका दिया और कहा कि मैंने तेरे को देखा, तेरे बाप को देखा मिर्जा राजा जयसिंह को, और तेरे पातिशाह को देखा औरंगजेब को, मुझे मारना है तो मार दो, कैद करना है तो कैद कर दो, मुझे तुम्हारे पातिशाह तुम्हारे बादशाह की हजूरी मंजूर नहीं, और यह कह के मुगल दरबार छोड़ के चले गए। अब जदुना सरकार को पढ़ लीजिए, क्योंकि जदुना सरकार ने कई बार आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स को वहां मेंशन किया है। एक साथ हजारों आवाजें आई कि इस काफी का सर कलम कर दिया जाए, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब से यह वायदा लिया था कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से बाद में निकल भी गए। जब वो वहां से पलायन कर गए, औरंगजेब ने एक फरमान लिखा दक्षिण में नियुक्त मिर्जा राजा जय सिंह को, वो फरमान अब नहीं है, लेकिन अखबारात दरबार मुल्ला नाम से एक सीरीज हमारी पर्शियन सीरीज जो राजी अभिलेखागार में है उसके अंदर इस घटना की समरी मिल गई। उस फरमान की मूल बात यह थी कि तुमने इतनी मुश्किल से शिवा को पकड़ा और तुम्हारे बेटे ने उसको भगा दिया, मेरी इच्छा तो हो रही है कि इसकी खाल उधेड़ कर आगरा की सड़कों पर घुमाऊं, लेकिन तुम हमारे सबसे विश्वस्त मनसबदार हो, इसलिए मैं इसके सारे मनसब छीन कर और इसको पदच्युत करता हूं। इतिहास की सबसे बड़ी घटना है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ शोध के माध्यम से सामने आई है और राज्य अभिलेखागार लेके आया है। महाराष्ट्र में किसी को नहीं मालूम संभाजी छत्रपति संभाजी महाराज के दो लड़के हैं, किसी को नहीं मालूम। जब मैं पुणे में लेक्चर देने के लिए गया और मैंने अपने डिजिटल लेक्चर के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाया, क्योंकि तो जब संभाजी की हत्या कर दी गई तो उनके लड़के शाहजी को 7,000 जात और 7,000 सवार का मनसब दिया गया जो सर्वोच्च होता है मुगल आर्मी के अंदर, और दूसरे लड़के को 2,000 जात और 1,000 सवार का मनसब दिया गया, और मनसब उसी को दिया जाता है जो लीगल वारिस होता है। ये रिसर्च भी सामने आई। आपके आगरा का ताजमहल जब बना तो मार्बल जो है वो मकराना से गया, सब जानते हैं इसको, लेकिन मार्बल की खान आमेर में भी थी। इसको उद्घाटित इसको इस खोज को इस डिक्री को सामने लाने का काम राज्य अभिलेखागार ने किया कि आमेर से भी मार्बल गया था और आमेर में भी मार्बल की माइंस थी। अगर हम इतिहास को बहुत अच्छे से देखें और समझें और पीछे की तरफ और दस्तावेजों के आधार पर आगे चलें, देखिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सेमिनार होते हैं, बहुत कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, 100-100 रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है
कि उन रिसर्च पेपर में कौन से किस प्रकार के स्रोत यूज होते हैं, क्या वो प्राथमिक स्रोत हैं, क्या वो सेकेंडरी सोर्स हैं, क्या वो ऑरल हिस्ट्री पर है। मैं कहता हूं आप एक सेमिनार कीजिए और सिर्फ पांच रिसर्च पेपर ओरिजिनल सोर्स पर एक आमंत्रित कीजिए, लिखिए, उससे हमारा छात्र, हमारा इतिहास, हमारा समाज, हमारा देश लाभान्वित होगा और कुछ नई चीजें हमें मिलेगी, बजाय इसके कि हम 200 रिसर्च पेपर को जो कि सेकेंडरी सोर्स में है लेके आए। मैं ज्यादा कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं जाता कि मैं जयपुर में एक 1857 के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें आर्काइव्स, उनको मालूम नहीं था कि मैं उसमें भाग ले रहा हूं, आज से 7-8 साल पहले की बात है, और आर्काइव्स के एक डॉक्यूमेंट का जिक्र आया। तो जब क्रॉस क्वेश्चन की बात आई तो मैंने कहा कि ये आर्काइव्स का जो डॉक्यूमेंट आपने जिक्र किया है, ये मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। और जब उन मोहतरमा को ये मालूम चला कि मैं डायरेक्टर आर्काइव्स हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने नहीं लिया, मेरे स्टूडेंट ने लिया है। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट से कोई बात नहीं, आपने लिया, लेकिन स्टूडेंट से क्रॉस वेरीफाई आपको कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा डॉक्यूमेंट आर्काइव में नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप, जब मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो पहले दिन वहां के प्रोफेसर्स का प्रेजेंटेशन था, दूसरे दिन उन्होंने ओपन कम्युनिकेशन किया मेरे स्टूडेंट्स के साथ में, तो मैंने उनको एक ही चीज कही, मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूं, रणजी ट्रॉफी खेला हूं राजस्थान से, मैंने कहा आपके सामने बॉलिंग कौन कर रहा है इसको मत देखिए, उसका नाम मत देखिए, उसका चेहरा मत देखिए, वो बॉल किस तरह की आ रही है उसको देख के खेलिए तो आप बहुत लंबा खेलेंगे। क्योंकि अगर आप देख लेंगे कि किसी नाम का बॉब विलिस कर रहा है, बॉथम कर रहा है, या किसी नामचीन खिलाड़ी का नाम देख के अगर आप खेलेंगे तो आप खेल नहीं पाएंगे। मैं वही चीज कह रहा हूं, आप किसी भी नामचीन इतिहासकार का या लेखक का नाम देखकर उसके फुटनोट्स मत लीजिए। अगर किसी भी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस पर, जब आर्काइव में मैंने भी रिसर्च की और मैं आज दस्तावेज देखता हूं, कई लोगों के फुटनोट्स को टैली करता हूं तो मिलते नहीं है। जो एक बहुत बड़ी डिग्निटी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए अगर आप किसी भी बड़े राइटर का, बड़े इतिहासकार का फुटनोट भी लेना चाहें और उसके अंदर आर्काइव सोर्स हो या कोई भी सोर्स हो, उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि वास्तव में वो सोर्स सही है या गलत है। खुद कीजिए, अब हमने ऑनलाइन कर दिया, आप दीजिए। देखिए अभिलेखागार की स्थिति हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, नहीं है भी नहीं, इससे ज्यादा हर स्टेट का अपना अभिलेखागार है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं और ईश्वर का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे राजस्थान सरकार का और केंद्र सरकार दोनों का पूरा सहयोग मिला, और आज ये कहते हुए खुशी है और हर्ष भी है कि हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ अभिलेखागारों में राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी है। अभिलेखागार और संग्रहालय, आपने कभी सुना होगा कि अभिलेखागार में एक बेसिक फर्क मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं आर्काइव्स को आर्कियोलॉजी के रूप में मानते हैं। आर्काइव्स और आर्कियोलॉजी एक अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक बहुत बेसिक फर्क मैं कहता हूं कि आर्काइव प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजी प्रिजर्व मोनूमेंट्स। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी। हिंदुस्तान के अंदर सोर्सेज की कमी नहीं है, दस्तावेजों के रूप में, इंस्क्रिप्शन के रूप में, ताम्रपत्र के रूप में, रजत पत्र के रूप में, भोजपत्र के रूप में, बहुत सारे। जरूरत किसकी है अगर हमें उस तक पहुंचने की। मैं जितने भी सहायक आचार्य मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पढ़ना और रिसर्च करना कभी बंद मत कीजिए। अगर आपके अधीन एक भी लड़का आता है तो आप प्रयास कीजिए कि वो अपनी थीसिस, वो अपने रिसर्च पेपर ओरिजिनल सोर्स पर तैयार करे। और अगर उसने किसी बड़े राइटर का को कोड किया है, उसके सोर्स को कोड किया है, तो उसको बताइए कि बेटा इसको क्रॉस वेरिफिकेशन आपको करना है। मैं आर्काइव और म्यूजियम की बात कर रहा था,
आर्काइव में म्यूजियम आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी भी आर्काइव में म्यूजियम नहीं है। हमने 20 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान राज्य अभिलेखागार के पहले दस्तावेज संग्रहालय का उद्घाटन किया और हमने इसमें 6 या 7 गैलरीज बनाई है। मैं आप सबको जो लोग देख रहे हैं उनको आमंत्रित करता हूं बीकानेर कि आप आइए देखिए, हिंदुस्तान में ऐसा दस्तावेज संग्रहालय आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल फरमान है, जो दस्तावेज के प्रकार हैं, चाहे वो चौपनिया हो, चाहे वो बही हो, चाहे वो तोजी हो, चाहे वो शाहजूर हो, चाहे वो हिस्टोरिकल बही हो, उनको मूल रूप में हमने वहां पर डिस्प्ले किया है। उसका नाम हमने दस्तावेज दरगाह रखा है। मेवाड़ की 1000 कॉपर प्लेट्स जो महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा अजयराज, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और कुंभा से होते हुए लास्ट महाराणा गोपाल सिंह तक की 1000 कॉपर प्लेट्स मेवाड़ की, उसको एक कॉपर प्लेट्स दरगाह बनाई, उसको हमने महाराणा प्रताप को समर्पित किया, उनके नाम से ये दरगाह बनाई। आज क्यों महाराणा प्रताप के बारे में कम पढ़ने को मिलता है और अकबर के बारे में ज्यादा? उसका कारण यह है कि महाराणा प्रताप का इतिहास उनकी मृत्यु के 150 साल बाद लिखा गया, महाराणा राज सिंह ने लिखवाया, और वो चित्तौड़ से उदयपुर, उदयपुर से जंगलों में घूमते रहे, जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी उस समय के लिखित दस्तावेज थे वो सारे नष्ट हो गए। वरना अगर उनके साथ भी अबुल फजल या बदायूनी जैसा कोई व्यक्ति उनके साथ होता तो इतिहास कुछ और करवट लेता। इसलिए अभिलेखागार ने महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके नाम से दरगाह बनाई, ताम्रपत्र दरगाह। मेवाड़ की 1000 कॉपर प्लेट्स में ज्यादातर कॉपर प्लेट, बल्कि सारी ही कॉपर प्लेट्स भू राजस्व से संबंधित है, जमीनों को दान देने के लिए। जमीनें कब कब दान दी जाती थी? पूरे के पूरे 1 बीघा से लेके और पूरे के पूरे गांव दान में दी जाते थे। इस प्रकार का मेजरमेंट उस समय उपयोग होता था। चेतक की मृत्यु के ऊपर भी जमीन दान में दी गई, उसका ताम्रपत्र हमारे पास। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को जमीनें दी गई, वो दस्तावेज भी। अब जैसे राम के नाम पर, सूर्य ग्रहण पर, चंद्र ग्रहण पर, घर में किसी मांगलिक उत्सव के ऊपर जमीनें दान दी, और एक मेवाड़ के 1000 साल के भू राजस्व के ऊपर रिसर्च की नई संभावनाएं हमने खोल दी। एलपी ट्रेसिटोरी के इटालियन विद्वान बीकानेर आए थे, 1915 से 1919 तक बीकानेर में रहकर कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व पर उन्होंने जबरदस्त काम किया। एक इटली का विद्वान और 32 साल की एज में उसकी डेथ हो गई बीकानेर में। सबसे बड़ी विशेषता आपको मालूम है क्या थी? 7 दिन काम करते थे, कोई संडे या हॉलीडे नहीं था। बीकानेर राज्य जिसमें 4 जिले आते हैं आज की डेट में, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमान चूरू, इन 4 जिलों के गांव गांव जाकर उन्होंने सर्वे किया। उनके सर्वे डायरियां हैं हमारे पास। पल्लू गांव के अंदर 2 सरस्वती जी की मूर्तियां उन्होंने खोजी, एक बीकानेर के गवर्नमेंट म्यूजियम में है और दूसरी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। हनुमानगढ़ से लेकर बाहवलपुर तक, बाहवलपुर बीकानेर राज्य की नेबरिंग स्टेट है, और उस बाहवलपुर राज्य स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट अभिलेखागार में है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। बाहवलपुर तक उन्होंने पुरातात्विक खोज का कार्य किया और उन्होंने कहा कि यह सारा क्षेत्र बौद्ध धर्म के निकट है। 1944 में हरमन गोएट जर्मनी से उनको बुला यहां आए। उन्होंने भी हनुमानगढ़ से बाहवलपुर तक पुरातात्विक खोज का कार्य किया। उन्होंने एलपी ट्रेसिटोरी की जो पुरातात्विक खोज थी उसको काट दिया। उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट एग्री विद एलपी टेसिटोरी, ये सारा का सारा क्षेत्र मथुरा शैली के निकट है, ये है। मतलब एक 2 विदेशी हिंदुस्तान बाहर से आके और बीकानेर में रिसर्च कर रहे हैं। आप उनके तर्क और वितर्क पढ़ के देखिए। उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर स्टेट नाम से हरमन गोएट ने बुक भी निकाली है, आप उसकी
सर्वे डायरी पढ़ सकते हैं, हम बहुत जल्दी ऑनलाइन भी करने वाले हैं एलपी टेसिटोरी की सर्वे डायरी, वो प्रेरित करती है। एक 32 साल की एज में एक आदमी इतना सारे जो मारवाड़ी गीत हमारी विवाह शादियों के ऊपर जो मारवाड़ी गीत गाए जाते थे वो एलपी टेसिटोरी ने अपने हाथ से लिखे हैं। उस समय जैन मुनि जी के साथ उनका संवाद होता था, आप उस इटली के रिसर्च स्कॉलर की हिंदी देख लें, मैं नहीं लिख पाता वैसी हिंदी, इतनी मोती की तरह सर। एक गैलरी हमने उनको समर्पित की है एलपी टेसिटोरी जी, उनके हाथ के लिखे हुए लेटर, उनकी रिसर्च, रामायण और रामचरितमानस की तुलनात्मक अध्ययन उनका पीएचडी शोध प्रबंध था। एक हमने एग्जीबिशन गैलरी बनाई है, अभी हमने उसके अंदर लगा रखा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजपुताना की भूमिका, और जब हमने इस एग्जीबिशन को जमार कला केंद्र में लगाया तो एक बहुत बड़े अखबार में एक एडिटोरियल निकला कि जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की इतनी भूमिका थी, अभिलेखागार ने दस्तावेजों के आधार पर यह प्रूव कर दिया, तो जन गण मन में राजपुताना का नाम क्यों। देखिए नई संभावनाएं खुल रही है रिसर्च की, और कैसे खुल रही है, ऐतिहासिक लिखित प्राथमिक स्रोत के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से। आज तक ये दस्तावेज थे, हम उसको बाहर लाए तो उस पर चर्चाएं हुई और उस पर शोध के नए आयाम खुल गए, शोध के नए रास्ते खुल गए। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की दीर्घा हमने तैयार की यहां पर, 240 से ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स के इंटरव्यूज आर्काइव्स ने लिए। 1982 में ओरल हिस्ट्री के नाम से राजस्थान सरकार ने अभिलेखागार को यह ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट दिया था। उस समय जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें से 240 से ज्यादा के इंटरव्यू लिए गए। उन सारे इंटरव्यू आप हमारे साइट पे ऑनलाइन सुन सकते हैं। यह आजादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है, आप उनके संस्मरण पढ़िए। जब हाड़ोती क्षेत्र के जो मैंने अंचल में जो स्वतंत्र सेनानियों के संस्मरण जो बुक निकाली है, वो झालावाड़ के अंदर मैंने 2010-11 में उस बुक का लोकार्पण किया था झालावाड़, और बूंदी में शायद भैरवलाल जी काला बादल शायद बूंदी में थे, उनके यहाँ भेजा मैंने अपने अपने ऑफिसर को कि उनके हाथ में देके आइए, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। आप देखिए उनके संस्मरणों को पढ़िए कि आजादी मिली कैसे थी, 7-7 दिन तक भूखा रखा जाता, और जब दिया जाता था ना सूखी रोटी के ऊपर शहद में मरी हुई मक्खियों को लपेट कर उनको खाने के लिए दिया जाता। तो हमने स्वतंत्रता सेनानियों की दीर्घा इसलिए बनाई कि आज से 20 या 25 साल बाद या 30 साल बाद जब हमारे आने वाली जनरेशन को आने वाली पीढ़ी को ये मालूम ही नहीं होगा कि गुलामी थी, हम कभी गुलाम थे, यही हमें आजादी, हमें सैकड़ों साल के अनवरत संघर्ष के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें दिलाई है। इसलिए उनके संस्मरणों को ऑनलाइन किया, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समस्त दस्तावेज, राजस्थान के प्रजा मंडल से संबंधित समस्त दस्तावेज आप ऑनलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप डिजिटल अभिलेखागार के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जितने दिन चाहें जितने घंटे चाहें डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं निःशुल्क। अपने स्टूडेंट्स को हमारे साइट पर भेजिए कि आप अध्ययन कीजिए। हिंदुस्तान की 100 से ज्यादा राज्य रियासतों के एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स ऑनलाइन है, गजेटियर ऑनलाइन है, सेंसस रिपोर्ट्स ऑनलाइन है, मेडिकल टॉपोग्राफी ऑनलाइन है, वेटनरी रिपोर्ट्स ऑनलाइन है, इन सब आप उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि सारे ओरिजिनल सोर्स हैं। एक संग्रहालय है कार्टोग्राफी, हमारे पास 10,000 से ज्यादा मैप्स हैं। कार्टोग्राफी के ऊपर 2014-15 में जामिया मिलिया के अंदर कोई इरफान यूनिवर्सिटी और जामिया ने मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी कार्टोग्राफी के ऊपर, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके संयोजक महोदय ने कहा कि जर्मनी के इरफान यूनिवर्सिटी वाले चाहते हैं कि आप इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दें। तो पहला प्रेजेंटेशन मेरा हिंदुस्तान के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब साहब के साथ में, मुझे मौका सौभाग्य मिला उनके साथ में देने का। तो कार्टोग्राफी पे जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ और जब मैंने सारे जो मैप्स जो अभिलेखागार में थे वो दिए और मैं अपना प्रेजेंटेशन दे के जब बीकानेर वापस आ गया, तो मेरे पास प्रोफेसर सुसेन जो जर्मनी की है उनका फोन आया कि
मिस्टर खड़गावत, मैंने कहा मैं अपने ऑफिस में आ गया हूँ, आप कैसे गए? मैंने कहा फ्लाइट फ्लाइट है बीकानेर में। आप बिलीव नहीं करेंगे, दो दिन बाद पूरा जर्मनी का प्रोफेसर राजस्थान अभिलेखागार में थे और वो यहाँ के मैप्स देखे, बिल्कुल इस मैप्स की हम गैलरी बना रहे हैं, अभी बनी नहीं है लेकिन बना रहे हैं, लेकिन आने वाले एक साल के अंदर ये सारे मैप्स आप ऑनलाइन मिलेंगे। आपको पूरी 50 पेज का आपका शीर्षस्थ प्रबंध एक मैप अपनी सारी कहानी कह देता है। इतने बढ़िया बढ़िया मैप्स हैं कि कहाँ कहाँ से पलायन हुआ, सेंसस मैप्स हैं, टेम्परेचर मैप्स हैं, मतलब दुनिया भर के मैप्स, सोशल मैप हैं। अभिलेखागार में संग्रहालय की स्थापना करके और एक इंटरनेशनल संग्रहालय बनाकर और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए एक नया रास्ता खोला है। आप आइए, आप देखिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था 2005-06 में डिजिटाइजेशन, तो लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे और सेंट्रल से हमें ये कहकर प्रारंभ में मना कर दिया गया था कि नहीं नहीं डिजिटाइजेशन नहीं, इससे लाइट पड़ती है, डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे, वो जाएंगे। मैंने पायलट प्रोजेक्ट जब बहुत थोड़े से करीबन 2-2.5 लाख रुपए में पायलट प्रोजेक्ट बना के जब अपनी सरकार को दिखाया और उसके अच्छे परिणाम आए, क्योंकि 1953 तक का पट्टा रिकॉर्ड लोगों, मतलब पूरे राजस्थान का लैंड रिकॉर्ड जिसमें लोगों के घरों के मकानों के पट्टे और एग्रीकल्चर लैंड के पट्टे हमारे पास हैं, और जब वो आते थे तो 4-4 महीने तो उनको ये कहने में लग जाते थे कि आपका पट्टा हमारे अभिलेखागार में है या नहीं, यस और नो। हमने उसको डिजिटल किया, उसमें से सर्च ऑप्शन निकाले 8 से 10 और उन सर्च ऑप्शन को इजी रिट्रीवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिया और ऑनलाइन कर दिया, कियोस्क लगा दिए। 1 मिनट में आप अपने घर और मकान का पट्टा देख सकते हैं और एक ही दिन में सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। अगर इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं सभी से, जितने भी प्रोफेसर, जितने भी सहायक प्रोफेसर जो नए आए हैं इस मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको राजस्थान अभिलेखागार में आमंत्रित करता हूं। आप आइए, कभी भी आइए, देखिए और इस तथ्यों के खजाने का इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास अगर मैन पावर कम है तो आप हमसे जुड़ जाइए। कहने को बहुत कुछ है। एक लास्ट में मैं अपनी पब्लिकेशन के ऊपर बात करना चाहूंगा। 327 फरमान जो मुगल बादशाहों ने राजपूत राजाओं को लिखे थे वो सारे के सारे लॉक एंड की में थे, लॉक एंड की में थे। 2010 में मैंने उनको बाहर निकलवाया और फारसी फरमानों के प्रकाश में मुगल कालीन भारत एवं राजपूत शासक नाम से एक 4 वॉल्यूम लगातार छपा दिए, एक तरफ उनका पर्शियन और दूसरी तरफ उसका हिंदी और देवनागरी में अनुवाद करवा दिया। इतिहास के, मुगल इतिहास के सबसे चर्चित उत्तराधिकार का संघर्ष शाहजहां के, उसके 60 से ज्यादा फरमान हम पहली बार इतिहास जगत के सामने लेकर आए हैं। मुगल कालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास परिमार्जित हो रहा है, बदल रहा है, किससे? आर्काइव के डॉक्यूमेंट्स। मिर्जा अर्जा जयसिंह की हाई क्लास डिप्लोमेसी आप देखेंगे, शाहजहां उनको बार बार एक के बाद एक साफ फरमान लिखता है कि आप आइए शाही सेना में सम्मिलित हो जाइए। तो मिर्जा अर्जा जयसिंह एक जगह पर अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं और जब उत्तराधिकार का संघर्ष फाइनल हो जाता है, औरंगजेब जीत जाता है, तो औरंगजेब एक फरमान लिखता है मिर्जा अर्जा जयसिंह को कि मैं तुम्हारे किए हुए शुक्राने का 1000वां हिस्सा भी कभी अदा नहीं कर सकता। किसी भी मुगल बादशाह ने किसी मनसबदार को इस तरह के शब्द नहीं लिखे होंगे। जितने भी 4 वॉल्यूम है ये सारे के सारे हिंदी और देवनागरी में करके हमने लगा दिए। इसके बाद अभी मुझे ये लगा कि फ्रीडम मूवमेंट में अभी बहुत कुछ बाकी आ रहा है। विजय सिंह पथिक को आप अगर पढ़ेंगे तो मेरा दावा है आपको कि स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा विजय सिंह पथिक के शब्दों से सुनेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के लिखे हुए, उनके खुद के हाथ के लिखे हुए दस्तावेजों की एक पहला वॉल्यूम निकाल रहे हैं और 10 या 15 दिन के अंदर वो सामने आ जाएगा। विजय सिंह पथिक के पास एक तुलसा भेल नाम से एक आदमी था जो
क्रांतिकारियों के संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता था। वो तुलसा भील आपको मालूम है, एक दिन में 70 मील पैदल चलता था, एक दिन में 70 मील। उसको बहुत प्रलोभन दिए, उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो डिगा नहीं। ये सारे के सारे आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलेंगे। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कहानियां की है, हमें लगेगा कि हमने तो अभी पढ़ना शुरू ही किया है, हमने तो अभी लिखना शुरू ही किया है। मैं आपसे यही, क्योंकि सब्जेक्ट की थीम यही थी, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्काइवल सोर्सेज इन रिसर्च, मैं जहां भी जिस यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ, बहुत सारे PhD स्कॉलर्स को भी मेरे को रूबरू होने का मौका मिलता है, मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ। दूसरी चीज ये कि गाइड का और स्कॉलर जो शोध छात्र होता है उसका जो रिश्ता होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं लाइफ में कि गाइड और छात्र के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। मैं हमेशा छात्रों से कहता हूँ, पूर्णतया समर्पित होकर गुरु के प्रति ही आप उसके बाद ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी, क्योंकि रिसर्च के अंदर धैर्य की बहुत जरूरत होती है, एसेंस। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे आज के इस उद्बोधन से बहुत सारी चीजें आप तक मैं पहुंचाने में सफल हो पाया हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी लोगों को, सविता चौधरी के साथ साथ प्राचार्य महोदय को, डॉक्टर उषा व्यास जी को, बीके शर्मा जी को, धर्मवीर जी को और श्रीमती सुनीता राठौर जी को। देखिए, कोई भी आयोजन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य होता है। इस आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है या वो प्रसारी, मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार का आयोजन किया। निश्चित रूप से इस आयोजन से दूर तलक तक और छात्रों और शोधार्थियों और इतिहासकारों और शिक्षकों तक कुछ ऐसी चीजें जाएगी जो उनके भविष्य निर्माण में सार्थक सिद्ध होगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप बोलो।
माफ कीजिएगा, कुछ ग्लिचेस की वजह से मैं शायद ऑडिबल और विजिबल नहीं थी। मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रही थी डॉक्टर खड़गावत, जो कि आज के हमारे इस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता थे। डॉक्टर खड़गावत ने उनके कार्यालय में जारी नवाचारों से आप समस्त प्रतिभागियों को अवगत करवाया। उनके कार्यालय में किस किस तरह के मूल स्रोत उपलब्ध हैं, अगर उनका उपयोग नहीं हुआ है तो बतौर प्रोफेशनल्स रिसर्चर्स आप उनका उपयोग करके किस तरह से ऐतिहासिक शोध को अद्यतन कर सकते हैं, या उपयोग किए हुए स्रोतों की पुनर्व्याख्या करके इतिहास में नवीन दृष्टिकोण ला सकते हैं। यह है डॉक्टर खड़गावत के व्याख्यान से हमने जाना। डॉक्टर खड़गावत के कार्यालय राजस्थान राज्य अभिलेखागार में जो नवाचार जारी हैं, वो नवाचार हमारे कार्यालय में जारी नवाचारों के साथ अगर हम संगम कराएं तो निश्चित रूप से अभिलेखागार का महत्व भी बढ़ेगा, और बतौर रिसर्चर या बतौर प्रोफेशनल्स आपका महत्व भी बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत का हम समस्त प्रतिभागी आयोजनकर्ता आभारी हैं कि वो आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने अपना व्याख्यान से हमको लाभान्वित किया। धन्यवाद। प्रतिभागियों से निवेदन है कि जब तक हमारे आगामी रिसोर्स पर्सन हमसे जुड़ते हैं, कृपया ऑनलाइन रहें। जैसे ही रिसोर्स पर्सन जुड़ पाते हैं, हम आपके साथ मुखातिब होंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। 2-5 मिनट में नेक्स्ट स्पीकर जुड़ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा आपसे माफी चाहते हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ थोड़ा पुअर कनेक्शन है उनके वहाँ, तो वो व्यवस्था कर रहे हैं। 2-5 मिनट का थोड़ा सा तकलीफ होगी आप लोगों को। और दूसरा ये कि इसके जस्ट अंत में जब ये लेक्चर खत्म होने को होगा, एक फीडबैक लिंक जो है वो जूम चैट बॉक्स में शेयर किया जाएगा,
जूम के चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक आज का वो शेयर किया जाएगा अगले व्याख्यान के अंत में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उसको फीडबैक जरूर दें, पर डे फीडबैक रखा गया है। थैंक यू वेरी मच। ये है क्या सर? ये सर ये क्या है? ये ना एक मिनट सर, सर आवाज आ रही है हमारी? जी सर आपकी भी आ रही है। जी सर सर नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बूंदी से मैं आयोजन सचिव डॉक्टर सविता चौधरी आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत करती हूं। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के 55 सहायक आचार्य इतिहास विषय से आपसे जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि आप प्रतिभागियों के साथ रूबरू हो, मैं आपका परिचय कराने की इजाजत चाहूंगी। हमारे इस 6 दिन चलने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के संभवतः आप सबसे वरिष्ठ रिसोर्स पर्सन हैं। जैसा कि आपके रेज्यूमे से मैं देख सकती हूं, 50 वर्षों का आपका ऐतिहासिक शोध और इतिहास शिक्षण का अनुभव है। आपने 1962 में राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा में प्राध्यापक के रूप में प्रवेश किया और 1996 में प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटा से सेवानिवृत्त हुए। आप मुगल राजस्थान और हड़ौती के इतिहास में विशेषज्ञता रखते हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक लेखन के लिए आप महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा महाराणा कुंभा सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। आपने अपने एमए के अध्ययन के दौरान ही अपनी पहली पुस्तक में अजमेर एंड मुगल एम्परर्स की रचना कर ली थी। आपकी प्रथम प्रकाशित पुस्तक कोटा के महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय एवं उनका समय थी। हड़ौती के इतिहास को उजागर करने वाले कतिपय विद्वानों में आप सर्व प्रमुख हैं। आपके 5 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 30 से अधिक लेख आप राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज में प्रस्तुत कर चुके हैं। आपके सैकड़ों लेख पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सम्मानित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2 शोध परियोजनाओं हड़ौती के स्मारकों का फोटोग्राफिक सर्वेक्षण तथा हड़ौती के शैल चित्र संपन्न की एवं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की शोध परियोजना कोटा के प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस रिकॉर्ड्स का सर्वेक्षण किया। 15 शोध छात्र आपके निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। सर आप तथा आपके शोध छात्र 16 स्वतंत्र शोध कार्यों में संलग्न रहे हैं। ये बुढ़ादीत के जैन मंदिर, बरगू का 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर, अलनिया और बिजोलिया के शैल चित्र, रंगपुर और माढ़ो की गुप्तकालीन प्रतिमाओं की खोज आदि से संबंधित है। आप राव माधव सिंह ट्रस्ट संग्रहालय के ट्रस्टी हैं। आप इंटेक के कोटा संभाग के महासचिव रहे हैं। आप कोटा विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में राज्यपाल के मनोनीत सदस्य रहे हैं। फोटोग्राफी आपकी हॉबी है और ये आपके शोध कार्य में भी आपको सहायता प्रदान करती है। आप वर्तमान में महर्षि कण्व इतिहास शोध संस्थान के निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। सर आज के व्याख्यान में आप हड़ौती के शैल चित्रों पर बात करेंगे। हमें प्रारंभिक परिचय के रूप में ये पता है कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में हड़ौती अपना सर्व प्रमुख स्थान रखता है। वो शैल चित्र
किस तरह से प्रागैतिहासिक मानव की जीवन यात्रा को प्रदर्शित करेंगे, ये हम आपके व्याख्यान से जानने वाले हैं। सो सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद। आदरणीय विद्वत जन और ये विद्यार्थी अगर हो तो मुझे प्रसन्नता है कि आज 25 वर्ष बाद जिस महाविद्यालय में मैंने काम किया था वहाँ पुनः अपना कुछ संबोधन या आपसे बातचीत इस माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय है हाड़ौती के शैलचित्र। इस विषय को प्रारंभ करने में सबसे पहले मैं हाड़ौती के संबंध में ही बताना चाहूँगा कि हाड़ौती भूभाग या क्षेत्र है। पहली बात तो इसको उच्चारण ही इसका लोग गलत करते हैं और आप जहाँ ये आयोजन हो रहा है वो हाड़ौती का हृदय स्थल बूंदी है। हाड़ौती पत्र समाचार पत्रों ने कुछ नाम बिगाड़ दिया, इसलिए मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। ये प्रदेश हाड़ौती है और ये हाड़ौती प्रदेश का नाम यहाँ पर जो शासक थे हाडा शासक उनके नाम से था, तो ये बाद में अड़ा लगा के हाड़ौती और हाड़ा इस तरह से बोलने लग गए। उच्चारण गलत है, ये हाड़ौती है और हाडाओं का यहाँ पर शासन रहा इसलिए इसको हाड़ौती कहते हैं। आज जिस भूभाग को हाड़ौती कहा जाता है वो थोड़ा संकुचित है, पहले हाड़ौती और अधिक विस्तृत था। 1948 में बूंदी और कोटा के दो राज्य हाडाओं के थे और उनको मिलाकर राजस्थान में मिलाया गया, लेकिन इससे पहले कभी ये प्रारंभ में जो एक रियासत थी राज्य था उसका नाम था बम्बावदा। बम्बावदा आज के भीलवाड़ा जिले में मैनाल के पास जोगनिया माता जो प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है उसके पास बम्बावदा था। कालांतर में बम्बावदा समाप्त हो गया और मेवाड़ में शामिल ले लिया गया, लेकिन बूंदी और कोटा चलते रहे और कोटा में से बाद में झालावाड़ नाम का भी एक अलग रियासत बनी। तो यूँ ले लीजिए कि बम्बावदा या मैनाल या मांडलगढ़ से लेकर भैंसरोड़गढ़ तक जो कि चित्तौड़ जिले में है वहाँ तक हाड़ौती का भूभाग था। और इसी में हमारे टीम ने बहुत बड़े शोध कार्य किए हैं इस शैल चित्रों के संबंध में। शैल चित्रों के बारे में जैसे इसका महत्व क्या है ये एक लाइन में बताना चाहूँगा मैं कि प्राग ऐतिहासिक मानव के इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें सबसे प्रमुख और सबसे प्रामाणिक ये शैल चित्र हैं, क्योंकि दूसरा जो स्रोत है वो पत्थर और धातु के औजार उपकरण हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते थे, लेकिन शैल चित्र जिन शैलाश्रम में बने हैं, जिन पहाड़ की कंदाओं में बने हैं, ये नदियों के किनारे बने हैं, वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, इसलिए जो कुछ उस जमाने में बनाया गया वो आज भी विद्यमान है। और इस तरह से शैल चित्रों का इतिहास करीब 35,000 वर्ष पुराना है और आधुनिक काल आते आते तक भी ये शैल चित्र बनते रहे, तो कई कालों के ये शैल चित्र हैं। अब इनमें इस तरह से इतिहास के ये साधन बने और कैसे ये हमारे लिए महत्व की वस्तु है उस विषय पर मैं आता हूँ। पहली बात तो कि सारे विश्व में ये स्रोत सबसे नया है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के 70वें दशक से ये खोज प्रारंभ हुई। कुछ लोग स्पेन में अल्तमीरा की गुफा को और वहाँ के खोजकर्ताओं को सबसे पहले मानते हैं, लेकिन कुछ विचारकों का मत है कि कैमूर की पहाड़ियाँ
जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर सबसे पहले कार्लाइल ने दुनिया में शैल चित्रों की खोज की। लेकिन कार्लाइल के बाद ये काम मंद हो गया, पचमढ़ी वगैरह में कुछ काम किया। इसके बाद 20वीं शताब्दी के 50वें दशक में इसमें काम प्रारंभ हुआ और मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान के और कुछ भागों में काम प्रारंभ हुआ। हेलो सर, एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। सर आप इसको मोबाइल को स्क्रीन बंद कर दीजिए, वीडियो और मोबाइल पास ला ले आइए, पास लाके बोलिए ताकि आपकी आवाज साफ आए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब आवाज आ रही है हमारी? हाँ, थोड़ा और पास लाए सर मोबाइल। अच्छा, आपसे बिल्कुल पास है। अब कैसी आवाज? ओके सर, ओके सर, ओके। अच्छा, तो भारत में जो खोजें प्रारंभ हुई, मुख्य रूप से सबसे ज्यादा शैलचित्र मध्य प्रदेश में मिले और मध्य प्रदेश में ही आज विश्व के यूनेस्को द्वारा जो विश्व के धरोहर है उसमें से एक भीमबेटका के चित्र हैं। और इसके खोजकर्ता डॉक्टर वाकणकर की जयपुर में एक प्रदर्शनी देखकर मैंने राजस्थान में इस खोज को प्रारंभ किया। राजस्थान में इससे पहले कुछ ऐसा सूचना आती थी, डॉक्टर के एन दीक्षित डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजी इंडिया, उन्होंने भरतपुर में कहा था कि कहीं शैलचित्र हो सकते हैं, या डॉक्टर वाकणकर ने भी कहा कि कोटा क्षेत्र में कहीं शैलचित्र हो सकते हैं। ना तो उनका कहीं शैलाश्रयों का नाम है, ना स्थान का नाम है, ना शैलचित्रों का नाम है, ना उनके कोई फोटो हैं, इसलिए संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैंने कुछ 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में ये काम प्रारंभ किया और मुझे जो पहली प्रचारित और जो जानकारी वाली जो शैलचित्र हैं वो मुझे कोटा के नज़दीक ही 22 किलोमीटर दूर कोटा से अलनिया नामक स्थान पर मिले। और अलनिया 14 अगस्त 1978 को ये खोज हुई थी और राजस्थान की सबसे पहली प्रकाशित इस शैलचित्रों की खोज थी। और इसके बाद में मैंने मैनाल के पास, या यूँ सोच लीजिए कि बिजोलिया के पास कई शैलाश्रयों की और खोज की थी। और इसके बाद मैंने अपने रिसर्च स्कॉलर्स को इस काम पर लगाया और इस काम में दो तीन रिसर्च स्कॉलर्स ने बहुत मेहनत की, काफ़ी खोजें की आगे और काफ़ी बड़ा काम किया। इस विषय पर सबसे पहले डॉक्टर मोहनलाल साहू ने मेरे निर्देशन में अलनिया शैलचित्रों पर काम किया। उसके बाद डॉक्टर तेज सिंह मावई ने वहाँ पर जो कोटा के पास मुकंदरा है, मुकंदरा में शैलचित्रों की खोज की। और इसके बाद डॉक्टर विजय सिंह ने बरड़ में शैलचित्रों की खोज की। लेकिन और एक खुशी की बात यह है कि डॉक्टर मोहनलाल साहू की अलनिया के शैलचित्र, डॉक्टर तेज सिंह मावी की दरा के मुकंदरा के शैलचित्र और डॉक्टर विजय सिंह के बरड़ के शैलचित्रों पर तीनों पर भी किताबें, उनको PhD भी मिली और किताबें भी प्रकाशित हो चुकी। और इसके बाद तो बहुत व्यापक रूप में हमने काम प्रारंभ किया एक योजना के अंतर्गत। और इसमें डॉक्टर तेज सिंह मावई जो रावतभाटा में महाराणा प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मेरे शिष्य, उन्होंने सारे मुकंदरा की लंबी करीब 60-70 किलोमीटर की रेंज, सारी चंबल घाटी की 100 किलोमीटर की रेंज और इस पे व्यापक खोज की। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हाडोती क्षेत्र के शैलचित्र भारत में भी अपना स्थान, बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं और राजस्थान में तो कोई इनका मुकाबला भी नहीं है और ये सबसे ज़्यादा समृद्ध हैं। तो ये शैलचित्र जो हमारे हाडोती में मिले हैं वो हालांकि डॉक्टर तेज सिंह मावई की जितनी भी खोजें हैं वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कर दी गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं की गई हैं
क्योंकि लोकबाग पचाल के बाद में इनको पिकनिक स्पॉट बना के खराब कर देते हैं, तो सब अपने यथास्थान उनका जिक्र है, नाम है, लेकिन अभी उतने प्रचारित हम इसको नहीं कर सके हैं इनको बचाव की दृष्टि से। तो ये हाडोती सारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा समृद्ध है चलचित्रों की दृष्टि से, और भारत में भी इसमें जितने तरह के चलचित्र हैं शायद ही इतनी विविधता और कहीं मुश्किल से हो, और ये हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए एक गर्व की बात है। अब मैं उस विषय पर आता हूँ कि इन चलचित्रों को बनाने का काम कैसे किया। तो जैसे लोगों का एक चित्र के नाम से एक ध्यान में आता है कि बहुत रंगीन पेंटिंग्स होंगी, ये प्राचीन मानव के बनाए शैलचित्र कोई पेंटिंग्स नहीं है, ये लाइन ड्राइंग्स हैं, और लाइन ड्राइंग्स भी ये गेरू रंग से 90-95% गेरू रंग से बनाई गई हैं, और इनमें फिर आगे चलकर कहीं कहीं बीच में सफ़ेद रंग भी डाल दिया गया है, और फिर कहीं कहीं फिर आगे सफ़ेद रंग की भी कुछ पेंटिंग्स बनी, कुछ हरे रंग की भी हैं, कुछ काले रंग की भी हैं, लेकिन 95% जो हैं शैलचित्र वो गेरुआ रंग के हैं। और इन शैलचित्रों में जो 35,000 साल पुराने भी चित्र हैं, 5,000 वर्ष भी पुराने हैं, अच्छे अच्छे उम्दा चित्रकारों ने भी बनाए हुए हैं, बालकों के भी बनाए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर भी बनाए हुए हैं, इसलिए इनको डिस्टिंग्विश करना, अलग करना एक मुश्किल काम होता है। फिर भी अच्छा, वैसे अनेक प्रकार के विश्व की लेबोरेटरीज ने इन पर शैलचित्रों पर कोशिश की है और इनका काल निकालने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी 100% सफलता नहीं मिली है, और इसीलिए इसको फिर अंदाज से ही इसका लगाया जाता है पुरातनता, और जो बहुत निरंतर इसको देखते रहते हैं उनको ये ज्ञात हो जाता है कि कौन सा शैलचित्र कितना पुराना है, और इसी से आगे चलकर इनके कालक्रम निर्धारित होते हैं। यहाँ हमारे अलनिया में ही अकेले 33,000 से लेकर और 5,000 तक के शैलचित्र हैं, और शैलचित्र 5 कालों के होते हैं। ये पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, चालकोलिथिक और मेसोलिथिक और हिस्टोरिक। अल्निया में एक खूबी है कि यहाँ 5 प्रकार के शैलचित्र मिलते हैं। इसके साथ ही साथ 5 प्रकार के शैलचित्रों के साथ ही साथ विविधता इतनी ज़्यादा है कि लगभग आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे जंगलों में किस तरह के पशु रहे होंगे। यहाँ हाथी है, टाइगर है, लायन है, और इसके अलावा मानव है, मानव के कार्य प्रणालियाँ हैं, कार्य विधियाँ हैं, उनके धार्मिक चित्रण भी हैं, डिजाइंस भी हैं, और पशुओं का भरमार के साथ ही साथ कीड़े मकोड़ों तक के चित्र हैं। इस तरह से प्राचीन मानव का आसपास जो क्या वातावरण रहा होगा, कैसे वो रहता था, किस तरह से उसके आसपास लोग थे, ये सारे की सारी बहुत विविध जानकारियाँ विस्तृत रूप से इन शैलचित्रों से हमें मिलती हैं। तो ये हमारे प्राग ऐतिहासिक काल को जानने के विशिष्ट साधन है। अब इसमें हम देखें तो जो हमारे पास क्षेत्र हैं, अल्निया में 5 काल के चित्र हैं और तरह तरह के जानवरों के चित्र हैं, लेकिन अन्य जगहों पर ऐसे जानवरों के भी चित्र मिले हैं जो आज के ज़माने में इस क्षेत्र में इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे तिपटिया नाम का मुकुंदरा में स्थान है, वहाँ पर चित्र हैं जो जैसे आज इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं है, और जैसे अल्निया में हाथी का चित्रण भी है, या दरा में एक जगह जिराफ का भी चित्रण है,
तो और जंगली भैंसों के भी चित्र हैं, तो ये पशु जो आज लुप्त हो गए हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इन शैल चित्रों में मिलते हैं। ये शैल चित्र बनाने वाला मानव कहीं जाता नहीं था, अपने आसपास जो कुछ था उसको उसने देखा और उसी को चित्रित किया। इसलिए ये तय होता है कि ये सारे जानवर जो आज हमारे देश में लुप्त हो गए हैं वो किसी जमाने में हमारे क्षेत्र में प्रचुरता से थी। सिंह तो अभी भी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस क्षेत्र में था। तो ये सब धीरे धीरे लुप्त होने वाले जानवर हैं, लेकिन शैल चित्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कौन कौन जानवर रहे होंगे। फिर जैसे जैसे सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य के बारे में भी जानकारी मिलती रही। जैसे हमारे यहाँ एक भैंसरोड़गढ़ के पास में एक स्थान है, वहाँ पर श्रीपुरा में, वहाँ पर मेरे शिष्य डॉक्टर तेज सिंह मावई ने वो पेट्रोग्लिप्स खोजे हैं जो कि 77,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं, और इनमें मानव सिर्फ लाइन के रूप से एक बहुत ही अजीब तरीके से, एक हल्के तरीके से, जो कि आदि मानव ने कभी किया हुआ कोशिश, वो बने हुए हैं और कुछ डिजाइन बने हुए हैं। तो इस तरह से ये 77,000 वर्ष पुराने पेट्रोग्लिप्स ही हैं, क्योंकि पेट्रोग्लिप्स वो होते हैं जो किसी नुकीली चीज से पत्थर पर उकेरे जाते हैं, तो वो भी हमारे क्षेत्र में है। और दूसरा शैल चित्र तो लाखों भी कम रहेंगे, इतने इनकी भरमार है। इसके अलावा हमें इस क्षेत्र में शुतुरमुर्ग के अंडे भी मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के, जिनमें हल्की हल्की लाइनों से चित्रकारी करने की कोशिश की है, तो वो भी करीब 33,000 वर्ष पुराने उनके समय नाका गया है। तो इस तरह से पूरी चंबल घाटी, पूरा मुकंदरा पर्वत और इसके आसपास के सभी क्षेत्र इस तरह से शैल चित्रों से भरे हुए हैं। और फिर शैल चित्र इतिहास के प्रामाणिक स्रोत तो है भी सही, एक ऐसे प्राकृतिक स्थान है जहां अगर आप पहुंच जाएं, उनको देखें, आपके मन को बड़ी प्रसन्नता होगी। प्राचीन मानव कहाँ रहता था, कैसे रहता था और किस तरह का उस वातावरण था उसका, कहाँ से पानी लाता था, कहाँ से उसको भोजन मिलता था, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। बाकी कई कई तो स्थान ऐसे हैं कि जो बहुत ही आप पहुंच जाएं एक बार हिम्मत करके तो बड़े प्रसन्नतादायक होते हैं। जैसे मुकंदरा क्षेत्र में एक तिपटिया नाम का स्थान है, उसमें 3 मंजिली कटिंग है पहाड़ के बीच में, ना ऊपर है ना नीचे है, पहाड़ के बीच में 3 मंजिल कटिंग है पहाड़ की, उस 3 मंजिलों में चित्र बने हुए हैं और वहां तक पहुंचना भी बड़ा दुस्तर कार्य है। तेज सिंह मावई ने उसको जब खोजा और कुछ चित्र देखे तो कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया तो उसने कहा कि आप चल के देखिए, मुझे बताइए कि इसमें कहाँ कहाँ ये क्या, जो मुझे समझ में नहीं आता वो बताइए। तो मैं वहाँ गया उनके साथ में, तो पहाड़ आधा चढ़ा, इसके बाद में तो कोई रास्ता ही नहीं था। बीच में एक करीब 1.5 फुट की दरार थी, 10 फुट ऊंची। बोले इसमें जाएंगे, भाई 10 फुट की, 1.5 फुट की दरार में चढ़ना तो मुश्किल है, गिरने का भी डर है बहुत ऐसा है। उन्होंने कहा साहब के नीचे 2-3 आदमी हम आपको उठा देंगे और ऊपर से 2-3 आदमी आप हाथ ऊंचा करेंगे तो खींच लेंगे और इस तरह से पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हम पहुंच गए और जब चित्रों को, इतने बढ़िया चित्रों को देखकर हम जब लौटने लगे तो देखा कि वैसे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो मैंने देखा कि मैंने पहला पांव रखा तो एक कट नज़र आया, मैंने उस पांव रखा तो आगे हिसाब से कट नज़र आए और बहुत आसानी से नीचे उतर गए। प्राचीन मानव ने अपनी सुरक्षा का भी इंतजाम रखा लेकिन साथ ही साथ अपने साधनों को भी विकसित किया। जैसे एक आज तक की टीम आई कि हम उनको देखना चाहते हैं तिपटिया तक के शैल चित्रों को, तो कहा वो थोड़ा मुश्किल है, आप नहीं देख पाते। खैर तेज सिंह ने रास्ता निकाला, 500 किलोमीटर जंगल में चल के ऊपर से वहाँ नीचे आ सकते थे। तो उस रास्ते से जब वहाँ तक पहुँचे तो वो लोग इतने थक गए कि साहब हमारा फोटोग्राफर को ले जाइए आप, हम तो ऊपर ही बैठे हैं, फोटो ही देख लेंगे। और
वो काफी प्रचारित हुए थे। तो अच्छा, चंबल घाटी में मानव के कृत्यों के, उसके वेशभूषा, उसकी साज सजावट, उसके बाद के शिकार अस्त्र और न जाने क्या क्या चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। इसे मुकंदरा में एक काला टोला नाम का स्थान है, उस स्थान पर एक ऐसा विशिष्ट चित्र है जिसमें एक करीब 15-20 आदमी हाथ मतलब उसके चारों पाए पकड़कर जानवर के रस्सियों से बांधे हुए हैं और उसको खींच के ला रहे हैं। तो सामने उनका एक देवता खड़ा है जिसके सामने उसको बलि देना है। तो इस तरह से बलि प्रथा के भी उस जमाने के चित्र हैं। तो ये सब तो बहुत डिटेल की बात है, विस्तृतता की बात है और देखने पर ही मालूम पड़ता है कि इनको इनमें क्या क्या है। ये बहुत ही विस्तृत एक क्षेत्र है। अब ये बात और सामने आती है कि ये चित्र इतने हजारों साल पहले बने थे और आज ये कैसे बच गए हैं। उस दृष्टि से हम कहते हैं कि ये भी उनकी टेक्निक थी, एक तकनीक थी। और तकनीक ये थी कि जो शैल चित्र बनाए गए हैं वो शैलाश्रयों में बनाए गए हैं, नदी के किनारे पहाड़ों उसको काट के बनाए गए हैं, या पहाड़ों में बीच में कट लगा के बनाए गए हैं, या नेचुरल गुफाएं भी हैं और नेचुरल गुफाओं में भी चित्र बनाए गए हैं। तो इनको जहाँ बनाया गया है वो जगह ऐसी हैं जहाँ सीधी धूप या सीधा पानी नहीं पड़ता। तो जिस स्थान पर धूप और पानी नहीं पड़ेगा वहाँ जो चित्र बनाए गए चित्र उनकी लॉन्गेविटी रहेगी। दूसरी बात यह है कि ये सभी चित्र एक तरह से बलुआ पत्थर में बनाए गए हैं। बलुआ पत्थर भुरभुरा होता है, उसमें कणों से मिलके बनता है, उसमें बीच में छिद्र होते हैं। तो जो रंग था वो बलुआ पत्थर में भीतर तक चला जाता है। तो आप उसको खोज भी दीजिए, आप उसको रगड़ भी दीजिए तो भी कहीं ना कहीं भीतर उसके निशान रहेंगे। हमारे विद्यार्थी भी थे, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ी मेहनत की, कई जगह झाड़ झंकार हटाए, कई जगह सफाई की, कई जगह शैल चित्र ऐसे थे कि सीधी आंख से दिखते नहीं थे, उनमें हल्का हल्का पानी लगाकर देखा तो बहुत सुंदर शैल चित्र नजर आए। तो वो सारी बातें इसलिए कि उनकी टेक्निक और उनके स्थान ऐसे थे कि जिससे शैल चित्र आज भी बने रहे, आज भी मौजूद हैं। और ऐसे भी चित्र हैं देखने के जिनको सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, कि एक काल में एक ने बनाया, उसके ऊपर दूसरे काल में दूसरे ने बना दिया, उसके ऊपर तीसरे व्यक्ति ने तीसरा बना दिया, और उनको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं तभी हम उनको समझ पाते हैं। तो ये सब जो शैल चित्र हैं हमारे शिक्षा के, हमारे इतिहास को जानने के, प्रागैतिहासिक मानव को जानने के बहुत बड़े स्रोत हैं। और इनकी अब व्यापकता और प्रचुरता बढ़ रही है और ये प्राचीनतम मानव के इतिहास को जानने के सबसे बड़े स्रोत साबित हो रहे हैं। तो ये संक्षेप में मैंने कुछ जानकारियां आपको इन शैल चित्रों के माध्यम से दी। आशा है थोड़ा बहुत आपके कुछ काम आएगा, इसी का मुझे संतोष है। धन्यवाद। जय हिंद। अगर कोई प्रश्न कोई आप कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर हेलो, एक क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। हाँ हाँ, वीरेंद्र जी ने ये सवाल पूछा है शैल चित्रों की यूरेनियम थोरियम विधि पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, हमारे यहाँ तो ये सब काम इस तरह का नहीं हुआ है। ये नीदरलैंड में कार्बन का हुआ था और ये जो अभी जो नए आए हैं अभी उतने सटीक नहीं है। और अभी क्या हुआ कि जब लोगों को शैल चित्र मिलना बंद हो गया तो इन्होंने जो गोल गोल निशान बने हुए हैं उनको भी शैल चित्र मान लिया,
और उनको भी इसमें शामिल कर लिया, तो ये यूरेनियम और ये थ्योरी अभी अपने यहाँ प्रारंभ नहीं हुई। प्लीज जी सर, थैंक यू जी। आप हाँ बताइए। पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने, मैं देख रही हूँ कि आप किसी की मदद से व्याख्यान कर रहे थे, तो ये आपकी जो जिजीविषा है, ऐतिहासिक जिजीविषा, इस विषय में आप इतने उद्यम के साथ आपने इतने जटिल विषय पर व्याख्यान किया, तो स्वाभाविक रूप से हम बहुत आभारी हैं आपके इस व्याख्यान के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है हड़ौती के निवासियों के रूप में कि हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां जीवन की परंपरा उस समय चली जबकि भारत में या भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी जीवन की परंपरा नहीं चली होगी, और उस प्रागैतिहासिक मानव ने अपने जीवन के चिन्ह अपने द्वारा बनाए गए चित्रों के रूप में जो छोड़े हैं उनके ऊपर आपने बात की। हम जानते हैं कि इतिहास लेखन के जो इतिहास साहित्यिक स्रोत होते हैं उनमें कोई मिलावट या बायस आ जाता है, जबकि ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं शैल चित्रों के रूप में, ये बिल्कुल नग्न और सच्चा चित्र अपने समय के मानव का प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो थीम आपने चुनी वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसे व्यक्ति से की तरफ से ही आ सकती थी जिसने जंगलों में और पहाड़ियों में जाकर, जो कि रोमांचक काम तो है लेकिन उसकी दुर्गमता का अंदाजा भी हम लगा सकते हैं जैसा कि आपने अपने व्याख्यान में भी बात की, तो हम स्वाभाविक रूप से आपके जैसे वरिष्ठतम शोधकर्ता से इस तरह की उम्मीद रख सकते थे जिस पर आपने व्याख्यान के दौरान हमें बिल्कुल संतुष्ट किया, लाभान्वित किया। धन्यवाद सर। अभी जो सभी पार्टिसिपेंट हैं, मुझे खुशी है कि आप लोगों से मेरा रूबरू हुआ और आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हेलो क्या टाइप है मैम इसमें बोल दो आप टेक्निकल कर हो गया ये इसका ऑडियो वीडियो होगा हाँ होना समस्त प्रतिभागियों से निवेदन है कि आज का उद्घाटन सत्र और व्याख्यान हम कर चुके हैं, हालांकि ये समय से थोड़ा पहले हो गया है और कुछ तकनीकी खराबी भी नेटवर्क की कमजोरी की वजह से आ गई है। तो आप समस्त लोग जो फीडबैक लिंक शेयर किया जाएगा उसे फिलअप कर दें। कल प्रातः 10 बजे हम 10:30 बजे हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा कार्य दिवस और दूसरे दिन की व्याख्यान प्रारंभ होंगे। धन्यवाद। फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, वहां से आप सभी फीडबैक फॉर्म भर दें। धन्यवाद। हेलो मैडम आओ ना, नहीं वो टेक्निकली बंद हो गया तो वापस एड करना। हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पीके सालोदिया साहब को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने अभी अपने अभिभाषण के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही मैं आयुक्त महोदय श्री संदेश नायक सर को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करने का दिया। इसी के साथ में डॉक्टर संजय
भार्गव सर, असिस्टेंट डायरेक्टर डीसी रीजनल ऑफिस कोटा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने हमारे अल्प समय के निवेदन को स्वीकार कर हमें ज्ञानवर्धन किया। साथ में आयुक्तालय से डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जिन्होंने अपने अभिवादन से ये एक बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम है इसके बारे में जानकारी दी। मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेंद्र खड़गावत सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने दस्तावेजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे सभी प्रतिभागी लाभान्वित होंगे। साथ में डॉक्टर जगत नारायण सर, जिन्होंने हाड़ौती के शैल चित्रों पर प्रकाश डाला और ये बताया कि ये शैल चित्र भारत में ही नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजों में एक हैं। अतः इनके व्याख्यानों से सभी प्रतिभागियों के ज्ञान कौशल में अभिवृद्धि होगी, ऐसी मैं पूर्ण आशा रखती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि आज के पहले और उद्घाटन सत्र के दोनों व्याख्यान हम कर चुके हैं, हालांकि ये समय से थोड़ा पहले हो गया है। आपके हमारे ग्रुप के ज्ञान गंगा के ग्रुप में फीडबैक लिंक आप लोगों के लिए भेज दिया गया है, जिसे आप समस्त लोग फिलअप कर देंगे। कल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिन 10:30 बजे से हमारा पहला व्याख्यान प्रारंभ होगा, इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप 10:30 बजे ऑनलाइन होंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर करें, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आगे सर्टिफिकेशन होना है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक अलग है, फीडबैक लिंक अलग है, तो प्लीज आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।